झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल सदन में विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने अपने स्पष्टीकरण देकर खारिज कर दिया और स्पष्ट तौर पर उन्होंने राज्य की जनता को संदेश दिया कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मामला न्यायालय में खारिज हो जाएगा। जनता के द्वारा भी राज्य में 2002 में खारिज कर दिया गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस वक्तव्य के लिए साधुवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस स्वागत योग्य निर्णय के लिए मैं उनको बार बार जो है कि अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन माननीय मुख्यमंत्री के बयान से, इस बयान से सदन में जो उन्होंने कल वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के बाद अब राज्य में भविष्य में हमको नहीं लगता कि कोई भी लोग 1932 खतियान आधारित बनाने की बात करेंगे। ये विषय विराम लग गया, समाप्त हो चुका है, लेकिन वैसे लोगों को भी करारा तमाचा है जो कि 1932 के नाम पर, खतियान के नाम पर लोगों में उन्माद फैलाने का काम कर रहे थे। 3.5 करोड़ झारखंडियों पर जो है कि एक सुनियोजित प्रहार करना चाह रहे थे, राज्य में अमन चैन शांति बिगाड़ने की ओर जा रहे थे, माहौल बिगाड़ने, भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो कल सदन में बयान दिया गया, उसके ऊपर वैसे लोगों को एक करारा जवाब है। राज्य को एक विकसित समृद्ध राज्य बनाने की ओर जाना चाहिए, उसका हम लोग पक्षधर हैं। नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलना चाहिए, जितने भी यहाँ लोग हैं सभी लोग सुख शांति समय से रहे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील भी करता हूँ कि अभी भाषा विवाद समाप्त नहीं हुआ है, भाषा विवाद भी को भी आप समाप्त कीजिए, पुनः धनबाद बोकारो में बोकारो मगही और भोजपुरी को शामिल कीजिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भाषा विवाद हो जाएगी, अन्यथा पूरे राज्य में भोजपुरी मगही मैत्री अंकिया को शामिल करने के लिए अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैत्री अंकिया मंच कटिबद्ध है, आंदोलनरत रहेगा, हमारा जो है कि आंदोलन जारी रहेगा। इसको लेकर हम आप पर सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, इसको लेकर मेरा चरणबद्ध जो है कि कार्यक्रम तय है, प्रस्तावित है। इसको लेकर 26 मार्च को परसों शनिवार को एचईसी सेक्टर 2 पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उनके प्रांगण में वहां धर्मशाला में हम लोग 11 बजे से एक आधिकारिक जो है कि प्रमुख साथियों की बैठक किए हैं। तो हम अपील करते हैं कि भाषा विवाद को भी विराम लगाइए और राज्य को जो है कि एक नई दिशा की ओर ले जाइए और एक समृद्ध राज्य बनाने की ओर ले जाइए। सारे लोग झारखंड के 3.5 करोड़ जनता आपके साथ में रहेगी और मुझे खुशी है कि जो आपसी वैमनस्य और भाईचारा बिगाड़ने के लिए 1932 से खतरनाक विषय को लेकर राज्य में जो जलाने की ओर जो लोग कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन काम कर रहे थे, उनके ऊपर अस्थायी रूप से विराम लग गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और ऐसे नेताओं को भी चेतावनी देता हूँ जो बार बार जो है इस बयान देकर लोगों में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, कंफ्यूजन फैलाने का काम करते हैं। अभी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई, अभी अनिश्चितता का माहौल बन गया, किसी तौर पर ये विषय अब झारखंड में पूरा नहीं आना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।